नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली के टॉप लो एक्सपर्ट कमीशन में अनिरुद्ध राजपूत ने बनाई जगह। भारतीय मूल के हैं अनिरुद्ध राजपूत। गुप्त मतदान प्रणाली के तहत अनिरुद्ध ने एशिया पैसिफिक समूह में 160 मत हासिल किए। अगले हफ्ते जापान दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दौरे से पहले जापानी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से की बातचीत। दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। 15 नवंबर से 6 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचेंगे इजराइल के राष्ट्रपति रेयुवेन रिवलिन। दोनों देशों के बीच सुरक्षा, शिक्षा, ऊर्जा, जल एवं कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर होगी बातचीत। रिवलिन भारत आने वाले दूसरे इजरायली राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा सीमा पार आतंक और सार्क में हित साथ नहीं चल सकते। आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का हिस्सा बनाने वाले देशों के मंसूबों को एकजुटता से रोकना होगा। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों ने वित्त, व्यापार, ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर दिया बल। चीन समेत रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं SCO के सदस्य देश। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।